नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका फिल्मलोक की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं साउथ की 6 बेहतरीन एक्शन ड्रामा रोमांस मिस्ट्री थ्रिलर पर बनी ये फिल्में। दोस्तों, आज की सभी फिल्में हिंदी में YouTube पर ही देखने को मिल जाएगी, मगर दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, इनमें से कुछ फिल्में अनऑफिशियल अवेलेबल है जो कॉपीराइट की वजह से कभी भी रिमूव हो सकती है, तो आप इन्हें जल्द से जल्द देख लेना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। नंबर 6 पर आती है 2023 में रिलीज हुई मलयालम लैंग्वेज की बेहतरीन एक्शन ड्रामा मिस्ट्री थ्रिलर वाली फिल्म किंग ऑफ कोथा, और इस फिल्म की हिंदी डबिंग भी सेम नाम से की गई है। और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में दुलकर सलमान, ऐश्वर्या लक्ष्मी, नायला उषा, गोकुल सुरेश और प्रसन्ना के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में तो रवि का बेटा टोनी अपनी विरासत और एक अलग जीवन की इच्छा के बीच फंसा हुआ है। अपने पिता के विपरीत टोनी अपराध की अंधेरी दुनिया की ओर आकर्षित नहीं है, इसके बजाय उसे एक अमीर पृष्ठभूमि की महिला से प्यार हो जाता है। और कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यह फिल्म अनऑफिशियल अवेलेबल है जिसकी लिंक नंबर 6 पर प्रोवाइड कर दी गई है। और इस फिल्म को IMDb की तरफ से 10 में से 6.2 की रेटिंग और गूगल यूजर तरफ से 82% लाइक्स मिला है। और इसके बाद नंबर 5 पर आती है 2021 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की बेहतरीन रोमांस वाली फिल्म मेरिस, और इस फिल्म की हिंदी डबिंग भी सेम नाम से की गई है। और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में दिनेश तेज और श्वेता अवस्थी के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में तो एक असफल उद्यमी सिद्धू और महत्वाकांक्षी फैशन डिजाइनर वेनिला मिलते हैं और सपनों को पूरा करने में एक दूसरे की मदद करते हैं। आखिरकार वे एक बंधन विकसित करते हैं और प्यार में पड़ने लगते हैं। महत्वाकांक्षी गलतफहमी की शिकार हो जाती है और सिद्धू को बीच राह में छोड़ देती है। और कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यह फिल्म ऑफिशियल अवेलेबल है जिसकी लिंक नंबर 5 पर प्रोवाइड कर दी गई है। और इस फिल्म को IMDb की तरफ से 10 में से 6.3 की रेटिंग और गूगल यूजर तरफ से 46% लाइक्स मिला है। और इसके बाद नंबर 4 पर आती है 2023 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की बेहतरीन कॉमेडी ड्रामा रोमांस वाली फिल्म कुशी, और इस फिल्म की हिंदी डबिंग भी सेम नाम से की गई है। और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में विजय देवरकोंडा, सामंथा रूप प्रभु और मुरली शर्मा के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में तो विप्लव प्रसिद्ध नास्तिक लेनिन सत्यम का पुत्र है। वह एक इंजीनियर के रूप में BSNL में शामिल होता है और स्वेच्छा से कश्मीर में पोस्टिंग लेता है क्योंकि वह जीवन यात्रा आदि का अनुभव लेना चाहता है। वहां उसकी मुलाकात आरा से होती है जो कहती है कि वह पाकिस्तान की एक मुस्लिम है जो अपने लापता छोटे भाई की तलाश कर रही है। और कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यह फिल्म अनऑफिशियल अवेलेबल है जिसकी लिंक नंबर 4 पर प्रोवाइड कर दी गई है। और इस फिल्म को IMDb की तरफ से 10 में से 5.7 की रेटिंग और गूगल यूजर तरफ से 71% लाइक्स मिला है। और इसके बाद नंबर 3 पर आती है 2022 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की बेहतरीन एक्शन ड्रामा रोमांस वाली फिल्म 30 मार खा, और इस फिल्म की हिंदी डबिंग भी सेम नाम से की गई है। और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में आदि, पायल राजपूत, पूना और सुनील के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में तो एक धोखेबाज पुलिस अधिकारी खुद को माफिया के एक सदस्य के साथ मुश्किल में पाता है और जब उसकी बहन और बहनोई की हत्या कर दी जाती है तो चीजें बदल जाती है। और कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यह फिल्म ऑफिशियल अवेलेबल है जिसकी लिंक नंबर 3 पर प्रोवाइड कर दी गई है। और इस फिल्म को IMDb की तरफ से 10 में से 5.7 की रेटिंग और गूगल यूजर तरफ से 56% लाइक्स मिला है। और इसके बाद नंबर 2 पर आती है 2023 में रिलीज हुई तमिल लैंग्वेज की बेहतरीन एक्शन कॉमेडी ड्रामा थ्रिलर वाली फिल्म मार्क एंटनी, और इस फिल्म की हिंदी डबिंग भी सेम नाम से की गई है। और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में विशाल, SJ सूर्या और ऋतु वर्मा के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में तो कहानी एंटनी और जैकी मार्तंडा के बीच गहरी दोस्ती के इर्द गिर्द घूमती है। दोनों ही आपराधिक जीवन शैली में गहराई तक डूबे हुए हैं। जब एंटनी की अचानक मृत्यु हो जाती है तो उन पर विपत्ति आ पड़ती है। भाग्य के एक अप्रत्याशित मोड़ में एंटनी के बेटे मार्क को जैकी के बेटे के रूप में पाला जाता है। कहानी में एक अवास्तविक मोड़ आता है जब मार्क को समय यात्रा करने में सक्षम एक रहस्यमय फोन मिलता है। इस रहस्यमय उपकरण के माध्यम से उसके माता पिता के साथ बातचीत से उनके अतीत के बारे में चौंकाने वाले खुलासे होते हैं।
और कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यह फिल्म अनऑफिशियल अवेलेबल है जिसकी लिंक नंबर 2 पर प्रोवाइड कर दी गई है और इस फिल्म को IMDb की तरफ से 10 में से 7.2 की रेटिंग और गूगल यूजर तरफ से 95% लाइक्स मिला है। और इसके बाद नंबर 1 पर आती है 2022 में रिलीज हुई तमिल लैंग्वेज की बेहतरीन एक्शन ड्रामा वाली फिल्म पट्टाथु अरसन और इस फिल्म की हिंदी डबिंग भी सेम नाम से की गई है और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में अथर्वा राजकिरण और अशिका रंगनाथ के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में तो एक घिनौनी साजिश के बाद परिवार के एक सदस्य की दुखद मौत हो जाती है। अपराधी को खोजने के लिए एक वृद्ध व्यक्ति अपने बिछड़े हुए पोते के साथ फिर से मिल जाता है और कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यह फिल्म ऑफिशियल अवेलेबल है जिसकी लिंक नंबर 1 पर प्रोवाइड कर दी गई है और इस फिल्म को IMDb की तरफ से 10 में से 3.9 की रेटिंग और गूगल यूजर तरफ से 65% लाइक्स मिला है। दोस्तों ये थी वे साउथ की 6 बेहतरीन फिल्में। उम्मीद है आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही बेहतरीन फिल्मों की जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। और आज की इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद।